प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा का कहना है कि जनता का पूरा प्यार और आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा है। एवन टीवी से खास बातचीत में रघु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की कैंपेनिंग रणनीति के आगे भाजपा घुटने टेक चुकी है और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं को प्रदेश में डेरा बनाना पड़ा, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस को सफलता मिलेगी। और इस दौरान रघु शर्मा से खास बातचीत की हमारे एवन संवाददाता दिनेश कसाना ने, आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान जारी है, कांग्रेस पीसीसी में जो वॉर रूम बना है लगातार उसके प्रदेश के मंत्री रघु शर्मा उसकी जिम्मेदारी संभाल रखी है। रघु जी, लगातार पूरे प्रदेश के चुनाव पर आपकी नज़र है, किस तरह की शिकायतें और मतदान पर? देखिए, हमने 40,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेंड किया था चुनाव से पहले, और वो एक एक मतदान केंद्र पर हमारा आदमी बैठा हुआ। आज जिस मतदान केंद्र पर चाहे ईवीएम से संबंधित शिकायत हो, चाहे स्लो वोटिंग की बात हो, चाहे लंबी कतारें लगने की बात हो, चाहे मतदान केंद्र पर कब्जा करने की नीयत हो, चाहे फर्जी मतदान हो, ये तमाम चीज़ों पे हमारे कंट्रोल रूम की नज़र है। 1,000 से ज़्यादा कंप्लेंट आज पहले 3 घंटे में हमारे पास आ चुकी है। हमने संबंधित कंप्लेंट्स को संबंधित जो निर्वाचन अधिकारी है मेल किया है उनको, और ये फ्री और फेयर पोल के लिए ज़रूरी भी है कि हर मतदाता को निर्भीक होकर मतदान करने का अवसर मिले, कोई गड़बड़ी नहीं हो प्रदेश के अंदर। और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह का वातावरण है राजस्थान में, चाहे पहले फेज की बात कर लो, चाहे अभी दूसरा फेज जो चल रहा है, बम्पर वोटिंग भी कांग्रेस पक्ष में हो रही है, अंडर करंट है कांग्रेस के पक्ष में, नरेंद्र मोदी की कलाई खुल चुकी है, भाषा का स्तर इतना गिरा दिया है उन्होंने कि देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिर चुकी है। हमारे दिवंगत प्रधानमंत्रियों ने जिन्होंने देश के लिए और इस उपमहाद्वीप के लिए शहादत दी, उन तक पे आरोप लगाने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ही प्रधानमंत्री बौखला गए हैं और प्रधानमंत्री इतनी गरिमा गिरा चुके हैं अपनी कि आम आदमी सोचने लग गया है कि प्रधानमंत्री मोदी तो गए। और जिस दिन 23 तारीख को ये मतदान का परिणाम आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जगह से कांग्रेस के मतदाताओं को डराने धमकाने की भी शिकायतें प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा अपना रही है, जिस ढंग से पैसे को बहाया है उन्होंने, ये भ्रष्टाचार का पैसा, आज जिस तरह से उन्होंने खर्च किया है, प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियों में अरबों रुपए खर्च हुए हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता ठगी सी महसूस कर रही है। 2014 में जो सब्ज बाग उन्होंने दिखाया, महंगाई कम करेंगे, आम जनता ठगी सी महसूस कर रही है, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, 1 रोजगार मिला नहीं। उन्होंने कहा कि हम काला धन लाएंगे, पैसा देंगे 15 लाख, मिला नहीं किसी को, नोटबंदी का सच आज तक सामने आया नहीं है। तो ये जो रफाइल डील है उसमें भ्रष्टाचार हुआ, देश की जनता जवाब चाहती है, कांग्रेस जवाब मांग रही थी, दे नहीं रही है। तो प्रधानमंत्री जी मुद्दों से भटका के इस चुनाव को लड़ने की फिराक में थे, लेकिन जनता सब समझती है। क्या लगता है आज आपको मतदान में जनता, महंगाई, भ्रष्टाचार और इन्हीं मुद्दों के आधार पर? चुनाव में मुद्दे क्या होते हैं, लोकतंत्र की बुनियादी इन्हीं चीज़ों पे है कि आम आदमी की समस्याओं का निस्तारण करने का कोई प्लान आपके पास है कि नहीं है, और जो सत्ता में आप 5 साल रहे हो उसका हिसाब किताब दो। दोनों चीज़ बीजेपी नहीं कर रही है, ना तो अकाउंट देना चाहती है कि जो वायदे 2014 में किए उन पर इन्होंने क्या कार्रवाई की है, और 2019 के चुनाव के बाद अगर ये सत्ता में आते हैं तो देश की जनता की भलाई के लिए इनके पास क्या खाका है दिमाग के अंदर, क्या एजेंडा है इनका, दोनों चीज़ों पे बात नहीं करना चाहती बीजेपी। तो फिर लोग क्या मूर्ख थोड़ी हैं, जनता समझदार है, वो वोट नहीं देगी बीजेपी को। तो ये थे मंत्री रघु शर्मा, और लगातार आज जो चुनाव है उसकी वॉर रूम में जिम्मेदारी रघु शर्मा ने संभाल रखी है, जिनका कहना है, साफ तौर पर कहना है कि जनता आज महंगाई, भ्रष्टाचार और इन मुद्दों पर मतदान करेगी और कांग्रेस मिशन 25 में कामयाब होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी, जयपुर।